व्यक्ति आया और संत के पास शीघ्र पहुंचने के लिए जल्दी से अपने जूते उतारने लगा। जूते आसानी से नहीं उतरे तो क्रोध में उसने किसी तरह पैर पटक कर उन्हें उतारा और तेज। आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। बच्चों, सुनीति आंटी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। एक संत के पास लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु व्यक्ति आया और संत के पास शीघ्र पहुंचने के लिए जल्दी से अपने जूते उतारने लगा। जूते आसानी से नहीं उतरे तो क्रोध में उसने किसी तरह पैर पटक कर उन्हें उतारा और तेजी से संत के घर के दरवाजे को धकल कर संत के पास पहुंचा। आते ही उसने कहा, बाबा, मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान जानने आया हूँ। संत बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान असंभव है। वह व्यक्ति आश्चर्य से बोला, भला मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं होगा? संत ने कहा, क्योंकि तुम ठीक से व्यवहार करना ही नहीं जानते।
जो विनम्र नहीं हो सकता उसका काम भी सफल नहीं होता। व्यक्ति ने पूछा, पर मेरे व्यवहार में क्या दोष है? संत बोले, कदम कदम पर है। तुम अकारण क्रोध में वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हो। तुमने अभी अभी जूते और दरवाजे पर क्रोध किया। जाओ उसे माफी मांगो। वह व्यक्ति हैरानी से बोला, मैं बेजान चीजों से माफी मांगू? संत बोले, तुम बेजान वस्तुओं के साथ भी सही ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते और चाहते हो कि ईश्वर व संसार तुम्हारे साथ उचित व्यवहार करे। यदि तुम इन वस्तुओं को वास्तव में बेजान समझा होता तो तुम इन पर क्रोध ही नहीं करते। विनम्रता से सारी समस्याओं के समाधान स्वयं हो जाते। वह व्यक्ति संत का आशय समझ गया। उसने उन वस्तुओं के साथ साथ संत से भी माफी मांगी और आगे हमेशा हर किसी के साथ विनम्रता से पेश आने का वचन दिया। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। Ah
प्रिय रेडियो मित्रों, परमेश्वर मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। प्रिय रेडियो मित्रों, परमेश्वर मसीह हमसे कहते हैं, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। ये कथन संत पौलुस का है, लेकिन परमेश्वर मसीह उसके माध्यम से हमसे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, ना कि अशुद्ध होने के लिए। प्रत्येक पाप जो हम करते हैं, शैतान हमें तुरंत उसके बहाने प्रस्तुत कर देता है, लेकिन बहाने बनाना सबसे कम
मुनाफे वाली उत्पादित वस्तु है, खास तौर से मसीही जीवन में। जब तक हम इन बहानों को बनाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम बैसाखियों के सहारे ही चला करेंगे। जब हम परमेश्वर के सामने पवित्र रहने में असफल हो जाते हैं, तो ऐसे में हम 10 आम बहाने देते हैं, जिनका हम आज तथा अगले 4 दिनों तक अध्ययन करेंगे। पवित्रता असंभव है। यह एक ऐसा बहाना है जो परमेश्वर को एक प्रेमी पिता के बजाय एक निर्दयी तानाशाह के रूप में चित्रित करता है। ऐसा कौन सा पिता है जो अपनी संतान को असंभव आज्ञाएं दे या उससे असंभव अपेक्षाएं रखे? बाइबल एवं कलीसिया का इतिहास ऐसे स्त्री पुरुषों से की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन पवित्रता में बिताया। कुछ उदाहरण जैसे नूह, धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खर्रा था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर ने स्वयं अय्यूब के बारे में गवाही दी, उसका तुल्य खर्रा सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। लूका ने जकर्याह तथा इलीशिबा के बारे में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। असफलताओं को देखने की अपेक्षा यदि हम संत पुरुष वो महिलाओं के जीवन को देखें, तो ये हमारे जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाएगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। पवित्रता असामान्य है। हम केवल यही नहीं सोचते हैं कि पवित्रता एक विशेष समूह के लिए है, पर यह भी धारणा रखते हैं कि ये औसत से ऊपर की अवस्था है। हम समान से इतना नीचे गिर गए हैं कि अब हमें समान की असमान नजर आने लगा है। कुरंथियों की पत्री किसी परिपक्व मसीहों के लिए नहीं, वरन ऐसी कलीसिया के लिए लिखी गई जहां झगड़े होते थे, आज किसी भी कलीसिया में देखने को मिलता है। लेकिन पौलुस प्रेरित अपने अभिभावक में पत्री को प्राप्त करने वालों को यह स्मरण दिलाते हैं कि वे मसीह में अलग किए गए और संत बुलाए गए। मेरे मित्रों, बाइबल हमसे कहती है कि जो मसीह में है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, वे इस दुनिया से अलग किए गए हैं और वे संत कहलाए गए हैं। उनका जीवन एक अलग प्रकार का जीवन बन जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से उन व्यक्तियों को स्पर्श करते हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। ये पवित्रता में विकास को दर्शाती है, जिसकी प्रगति मसीह में स्थापित पवित्रता से जीवन में व्यवहारिक पवित्रता तक होती है। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। बाइबल में ये चेतावनी है कि जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, वो पाप ना करे, वो परमेश्वर से दूर ना जाए, बल्कि परमेश्वर की आवाज को सुने। मसीह जीवन का अर्थ है परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ना। जिस क्षण हम आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, हम नीचे फिसलने लगते हैं।
हमें ऐसी परीक्षा का विरोध करना चाहिए। मेरे मित्रों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ रहे हैं या आपने अपना कदम बढ़ाया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पीछे मुड़कर ना देखें। जो बीत गया वो बीत गया। बाइबल कहती है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में है, परमेश्वर उन्हें एक नया जीवन देता है, उनके जीवन में प्रभु आता है। शैतान आपको अपनी पिछली जिंदगी याद दिलाना चाहता है, उसकी आवाज को ना सुने। शैतान आपके पापों को याद दिलाना चाहता है, पर आप शैतान की आवाज को ना सुने। आप शैतान से कहें कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे हर एक पाप से शुद्ध करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए अपना जान दिया, ताकि आपका पाप उसके उस बहुमूल्य लहू से धोए जाए। हमें ऐसी परीक्षा का विरोध करना चाहिए जो हमें अधर्म में रहने को प्रेरित करती है, बल्कि हमें परमेश्वर में मसीह यीशु की ऊपरी बुलाहट के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। मेरे मित्रों, ऐसा कोई संत नहीं जो यीशु के बिना स्वर्ग में प्रवेश कर सके। ऐसा कोई इतना पापी नहीं जो उसके द्वारा पवित्र ना किया जा सके। मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना जीवन परमेश्वर को दे, वही आपको हर एक अशुद्ध चीजों से बचा सकता है, वही आपको पवित्र बना सकता है। आप अपने शक्ति से, अपने धर्म से पवित्र नहीं बन सकते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको पवित्र बना सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान पवित्र सनातन परमेश्वर प्रभु, हम जानते हैं कि तूने हम सबको बुलाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तू हर एक परीक्षाओं से दूर रख, हमारे जीवन को स्पर्श कर। सुनने वाले हर एक श्रोता भाई बहनों को तू स्पर्श कर, उन्हें तू नया जीवन दे। शैतान के हर एक अजमाइश से तू उनको दूर रख। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9689231702, 9689231702। हमारा ईमेल एड्रेस है morris@gmail.com, morris@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखे। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवनधारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।